हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं सब मम्मी धो रहे उधर बर्तन और यहाँ पे एक आई है। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? क्या करने आई थी इधर? अभी मैं कर रही हूँ सूट स्टिच। और तेरे को कब तक चाहिए सूट? सोमवार तक है। सोमवार तक नहीं हुआ फिर तो मंगल। चल ठीक है, घर जा आप टाइमली। बाय बाय। तो मैं करती हूँ गाइस काम में काम, तो करते हैं काम गाइस। अभी मैं कर रही हूँ मिस्टी के सूट को प्रेस, दे देती हूँ इसको। और ये मैंने तरपाई के लिए लगा दी है, ये नीचे देने इधर। ये सूट मैंने बिल्कुल प्रेस कर दिया है। ये मिस्टी का प्लाजो, छोटू सा, ये मिस्टी का प्लाजो है और ये मिस्टी की शर्ट है। मैं चाह रही हूँ नीचे भाभी का सूट भी है इसमें, वो भी दे दूँगी। और मिस्टी ने कब पहनना है, मिस्टी का सूट जो है वो भी दे आती हूँ। और मतलब थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी घर पे बैठे बैठे। आपको पता ही है मेरी टांग या कर। अब पता क्या होता है, जब से मैं ये वाली मशीन चला रही हूँ ना, इस मशीन से मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, इस मशीन से ये कि मैं ज़्यादा देर ऐसे बैठ नहीं सकती। मतलब होते हैं पैंट मार के बैठ जाते हैं ऐसे, मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरी टांगे मतलब इतने मतलब वो चुन चुन सा लग पड़ता है और मेरे से उठा ही नहीं जाता। फिर इतनी मतलब गंदी आदत पड़ी है ना इस मशीन की वजह से, ना मेरे से मतलब बैठा भी नहीं जाता। वो बोलते हैं जितना सुख उतना दुख, वो वाला सा वो बात बिल्कुल सही है। किसी ने भी बोला है तो बात सही है। तो जा रही हूँ मैं अभी, गर्मियों के मौसम आ गया। आप लोग हेलो गाइज, ये है शिवन्या। हेलो कर दे इधर, हेलो शेर भाई, हेलो। मिष्टी के घर पे तो उसका सूट देने के लिए अंश हो चुका है टकला और ये घूम रहा है। और ये शिवानी है, क्या कर रही है? और पीछे दक्ष भी है, क्या कर? तो गाइस मेरे को मेरी शिवानी, अब मैं जा रही नानी के घर। मैं लेके आई मिस्टी के लिए सूट सिल के। तो अब मिस्टी पहनने की हेलो हेलो हेलो। अभी मैं घर आ चुकी थी और पीछे मैं ये अपना सूट स्टिच कर रही हूँ। अभी थोड़ा ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक है। तो अभी खाना खाने जा रही हूँ मैं, खाना खा लेते हैं। अंधेरा ही हो चुका है, 11:30 और मैं अभी तक भी सूट स्टिच कर रही हूँ। पुंजे में स्टिच मतलब जड़ लिए। रात के हो रहे हैं 11:30 और मैंने ये सलवार कर ली स्टिच और इसको रखते हैं अभी इधर। खिला रहा है वो उठाते हैं एंड उसके बाद सो जाते हैं। पूरा दिन आज नीचे वही सूट भी सिले, पूरा टाइम ऐसे निकल गया। और मम्मी भी इधर बैठे हुए हैं, मम्मी सोई नहीं अब अभी तक। तो मम्मी का था आज व्रत और मम्मी को आ रही The next day. मॉर्निंग आप सभी को मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ चुकी हूँ 7:30 बजे की। और धूप भी पीछे निकल चुकी है आपको पता ही है, और हरा भरा हो चुका है। लगते हैं ब्लॉग को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट। और मुझे बैठना भी सिलाई करने के लिए क्योंकि कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो तीन दिन लगातार हो गए मुझे कपड़े सिलते हुए, तो अब सिलते हैं काम। तो गाइस अभी मैंने 3 सलवार जो कट कर ली है पीछे, और अभी मुझे 3 शर्ट है वो वगैरह होती वो सब मैंने कट कर ली है। 1 hour later इवनिंग, अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं नानी के घर थोड़ी देर बैठने के लिए। और एक टेंशन ख़त्म होती है तो दूसरी फिर से पड़ जाती है। और मेरी मशीन की जो बेल्ट टूटती है ना मोटर की, वो आज वो भी टूटेगी। तो मैं पता करती हूँ नीचे मिलेगा, फिर चंबा जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ चंबा ना जाऊँ अभी, बट शायद जाना ही पड़ेगा। और पीछे चले गए मम्मी, मम्मी ने गर्म सूट और स्वेटर ही डाल लेते, जब तब देखो एक ही है मम्मी के पास। तो चलते हैं गाइस नीचे। पहुंच चुकी हूँ मिस्टी के पास और मिस्टी को देखो कितनी भूखी है, कितने दिनों से भूखी है गाइस। माम भी बना रहे हैं चाय इधर, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए इसमें रखी हुई है। तू गंदी है तो गंदी ही रहेगी। क्या
क्या है? ये हमारे भाई साहब, आप इनको पहचान नहीं पा रहे होंगे। टी मामी की गोद में सो रही है, खा रहे हैं टकाटक और कोमल चलिए, और वो पीछे हमारे लाला साहब से आ गए हैं, और ये मैंने सामान ले लिया, और ये देखो दुपट्टा जो चल कर हाई करिए आप। हेलो, कहाँ जाके आए आप? मैं अभी दूध लेने गया था। दूध लेने गया था? हाँ। अभी कहाँ जा रहे हो? ऑनलाइन मत करो। अभी अभी मैं जा रहा हूँ घर। घर जा रहा है? हाँ। अच्छा, और सब कुछ ठीक? और कुछ इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करते रहना, और मेरा चैनल भी है शिवांश डेंजर, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। हाँ, सब्सक्राइब कर देना इसके चैनल को, पर उसके अंदर एक भी वीडियो नहीं है अभी, तो वीडियो डाल देना ना फिर। हाँ ठीक है। तो गाइस मिलते हैं बाद में, इसका घर यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है यार। मैं कितना बड़ा हो गया ये, फिर भी दीदी की गोद में बैठता है, कितना बड़ा इसको समझाओ कोई, मेरे से दीदी से बड़ा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अहमदुल कैसे हैं? बोला मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हो? आप बढ़िया हूँ, मैं बड़ा हूँ। ठीक ठाक हो मुल्ला? ठीक ठीक है। और मैं हो चुका हूँ गंजा। मैं हो चुका गंजा, टकलिया गंजे, टकले गंजे, गंदी बात। ठीक तो गाइस अब मैं चली जाऊंगी घर, और इधर नानी है, तो हम चलते हैं घर। अंधेरा हो रही है, बेबू और मम्मी जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं घर। आज जाने नहीं वाले थे बट मेरे को काम है सिलाई का, मेरी मशीन का वो होती वो टूट गई, और अंधेरा आ रहा पीछे, तो घर चलते हैं, मिलते हैं आपको घर पहुंच के। मैंने बनाई अपने लिए मैगी, क्योंकि मुझे लगी भूख और मैं मैगी लेके आई थी, तो बना लिया। अब मैं खाऊंगी इनको मैगी। एक तो मशीन की जो है मतलब बेल्ट टूट गई है मोटर की जगह की, और एक सूट ये सुबह काटे थे, एक ये दो तीन चार। तो गाइस आज का और कल का ब्लॉग प्लीज़ आप लोग समझ सकते हो कि मुझे पता है कि साथ साथ में है, बट गाइस प्लीज़ आप लोग अपनी सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि भी आपको पता प्रॉब्लम हर कोई प्रॉब्लम देखने पड़ती है। तो नीचे नानू का मैंने बताया था आपको, और हर चीज़ गाइस बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ना, अब मशीन का बेड़ा गर्क हो गया, कभी एक चीज़ ठीक करती तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो अभी मैंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, आके मैंने मैगी खाई थी, वो भी मेरे से सारे पूरी नहीं खाई गई, थोड़ी सी खाई थी मैंने। तो अभी जो है मेरे को आ रही बहुत ज़्यादा। अगर लोग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करना है शेयर एंड लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपके तक मेरी व्लॉग जो मतलब नेक्स्ट न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड मिलते हैं एक अच्छे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।